इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो एक मैं वही 4 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ, और तो 4 वोल्ट की बैटरी बना लेते हैं। ये 4 वोल्ट की बैटरी हो गई। अब इसके पैरेलली कनेक्ट करने हैं, तो पैरेलली बैटरी के पैरेलली हमने एक बल्ब कनेक्ट किया और एक बल्ब और कनेक्ट किया पैरेलली ही। तो 4 वोल्ट का इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, 4 वोल्ट का है, और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। R1 और R2 की वैल्यू दोनों की, R1 इक्वल्स टू 2 ओम इक्वल्स टू R2, ठीक। तो 2 2 ओम है। तो अब यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो देखते हैं कितना होगी, और इसमें जो करंट फ्लो होगी, अब यहाँ पर क्या है, ब्रांच है, जो करंट आएगी तो ये बिल्कुल ऐसा समझो जैसे कि वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कोई रिवर है और रिवर से छोटी छोटी जो रिवर बनती हैं, ठीक है, तो छोटी छोटी जो उनकी स्ट्रीम है, और उसको देखो, तो रिवर से एक इधर पानी चला गया, इधर पानी चला गया, तो नहर में कन्वर्ट हो गई है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर अगर सपोज करो करंट आई है, तो ये I1 इसका नाम दे देते हैं, और ये क्योंकि R2 में फ्लो हो रहा है तो इसका नाम I2 दे देते हैं। तो अब यहाँ पर लगेगा KCL, किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई नोड है, इस नोड का नाम दे देते हैं ए, एट नोड ए, तो आने वाली करंट, सही है, तो करंट टुवार्ड द नोड ए, सही है, इक्वल्स टू करंट अवे फ्रॉम द नोड। तो अवे फ्रॉम द I1 और I2 इससे जाने वाली हैं, सही है। तो I1 प्लस I2 ये बनेगा, ठीक। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, VR1 की वैल्यू क्या है, देखो पैरेलली आपने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट ही आएगी। जो पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो तो 4 वोल्ट ही भी इसके अक्रॉस आएगी, इसके अक्रॉस भी 4 वोल्ट ही होगी। रेसिस्टेंस चाहे कितना भी हो, ठीक है, पर जो वोल्टेज होगी वो पैरेलली होगी, सही है। जो पैरेलल आपकी जो बैटरी है वो जिसकी जो वोल्टेज है उतनी ही होगी। तो VR1 इक्वल्स टू VR2 इक्वल्स टू V। तो पैरेलल सर्किट्स में जो वोल्टेज है वो सेम रहती है, ठीक है, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर करंट सेम रहती है। सीरीज अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें करंट सेम है, सही है। तो VR1 VR2 इक्वल्स टू V। अब आते हैं करंट पे। अब इसकी जो करंट है वो कितनी है, तो I1 की वैल्यू अगर निकाल लें तो फिर यहाँ पर भी आप उसको लगाओगे ओम्स लॉ, तो I इक्वल्स टू V डिवाइड बाई R, ठीक है। तो V तो सबका सेम है, VR1 VR2 V सब सेम है, ठीक है। तो इसको VR1 डिवाइड बाई I, सॉरी VR1 डिवाइड बाई R, तो R की वैल्यू यहाँ पर हमारी भी क्या है, 2 ओम है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू भी 2 ओम है, तो VR1 है 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हुआ, 2 एम्पियर, ठीक। तो वहाँ पर जो वोल्टेज सीरीज में जो वोल्टेज थी एक्रॉस वो 2 वोल्ट थी, तो 2 वोल्ट थी तो वोल्टेज एक्रॉस है तो करंट भी कम होगी। अब यहाँ 4 वोल्ट हो गई तो यहाँ करंट डबल हो गई, डबल वोल्टेज है तो डबल करंट हो गई, 2 एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फैक्टर है, इसको हमेशा याद रखना, ये अप्लाई सब जगह नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस को देख के अप्लाई होगा। तो यहाँ पर अगर इसको मैं VR2 डिवाइड बाई R2 करता हूँ तो यहाँ वैल्यू भी 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2 एम्पियर आ रही है। तो करंट भी अच्छी है और जो वोल्टेज है वो भी अच्छी है, ठीक। तो उस केस में, तो अब यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो कॉमन रहता है, इज कॉमन, ठीक है, अक्रॉस द कंपोनेंट, अक्रॉस द लैंप, ठीक, पैरेलल में कनेक्ट है। तो वहां पर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन या सेम, सॉरी कॉमन की जगह सेम वर्ड यूज करो ज्यादा अच्छा है, इज सेम अक्रॉस द लैंप, सही है। और दूसरा, जो अगर इसमें कोई लैंप अगर रिमूव करते हो, ठीक है, तो रिमूव करने से क्या होगा, इस ये लैंप आपका ऑन रहेगा क्योंकि करंट अब इसमें फ्लो होती रहेगी, अब इसमें नहीं होगी, बस ये जो आई की वैल्यू है ये रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि I2 अगर आपका 0 हो गया तो I इक्वल्स टू I1, तो करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो अगर आप इसमें से कोई भी कंपोनेंट रिमूव करते हो पैरेलल में,
ठीक है, तो हमारा सर्किट जो बाकी कंपोनेंट है वो प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे। ठीक, तो जो हमारे डोमेस्टिक जो हमारे घरों में जो सप्लाई है वो सब पैरेलल ही है, तो कोई अगर एक चीज़ ख़राब होती है तो दूसरी चीज़ पे अफेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना, तो वो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है। तो तीसरी चीज़ है जो करंट है, ठीक है, तो जो टोटल करंट है वो यहाँ पर शेयर होती है। तो इसमें क्या है, जो टोटल करंट फ्रॉम द टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी इज शेयर, ठीक है, थ्रू द कंपोनेंट, कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट लैम्प, ठीक है, ओब्लिक लैम्प बल्ब, लैम्प सही है, डिपेंडिंग ऑन देयर रेसिस्टेंस। ठीक, तो दो चीज़ें यहाँ पर हमारी, अब जो सीरीज में है, सीरीज में क्या है, वोल्टेज शेयर हो रही है, यहाँ पर क्या है, करंट शेयर हो रही है पैरेलल में, वहाँ पर क्या है, करंट सेम रहती है सीरीज के अंदर, और पैरेलल के अंदर क्या है, वोल्टेज सेम रहती है, जो वोल्टेज एक्रॉस है वो सेम रहेगी। तीसरा, अगर आप सीरीज में से कोई कंपोनेंट रिमूव कर दो तो सारा सर्किट जो बाकी कंपोनेंट है वो कोई काम नहीं करेगा, ठीक है, बाकी कोई लैंप वगैरह या मोटर आप कनेक्ट कर दो, फैन कनेक्ट कर दो, कोई भी काम नहीं करेगा, पर अगर आप पैरेलल में कोई रिमूव करो तो काम करेगा, ठीक है। अच्छा, सीरीज में जितने भी कंपोनेंट आप लगा रहे हो जो वो उनकी जो वो मतलब प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, या कहने का मतलब है अगर बल्ब लगा रहे हो तो वो ग्लो प्रॉपरली नहीं होगा, सही है, डिम रहेगा, ठीक, और रीज़न यही है कि जब यहाँ पर तुमने वही सेम बल्ब लगाया हमने पैरेलल में, तो 4 वोल्ट जो वो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द लैम्प, सही है, वो ज़्यादा है, तो इस वजह से करंट भी ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना, तो 2 एम्पियर की करंट है और 4 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो सीरीज में जो कंपोनेंट आप लगा रहे हो, ठीक है, तो जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ाते जाओगे जो आपका वोल्टेज एक्रॉस द कंपोनेंट है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है, और जो करंट है वो भी, ठीक, तो जो करंट है उसके वो भी हमारी जो वोल्टेज एक्रॉस है मतलब जो कंपोनेंट के एक्रॉस वो कम होती जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर अगर आप कितने भी कंपोनेंट इसके अगर लगाते चले जाओ, सही है, बस होगा क्या, जो टोटल वोल्ट जो टोटल करंट है, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी, बाकी हर एक कंपोनेंट की जो भी करंट है वो सेम रहेगी। सेम रहने का मतलब है अगर कोई जो कोई तीसरा, सपोज करो मैं तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर लगाऊँ तो I1 और I2 पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, और उसको भी वहाँ से करंट मिलेगी, तो वो इसमें बस जस्ट ऐड हो जाएगी जो टोटल करंट है, ठीक है ना। तो वो ये है हमारा पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट की प्रॉपर्टीज़। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें चलो अब इसको रहने देते हैं, तो कहने का मतलब है अब इसमें, हाँ, इसमें जो कंपोनेंट लगाओगे पैरेलल में वो ग्लो प्रॉपरली करेंगे, ठीक है, मोटर है अगर मोटर कनेक्ट करते हो तो मोटर प्रॉपरली चलेगा, जो उसकी स्पीड है, सही है, जिसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया हुआ है वो डिपेंड करता है, अगर आपका 8 वोल्ट अगर आप उसको मोटर डिज़ाइन है 8 वोल्ट के लिए और यहाँ पर 4 वोल्ट दे रहे हो तो आधा तो वैसे ही हो गया, और उसको भी अगर आप सीरीज में लगा रहे हो तो और भी आधा हो जाएगा, तो 1/4 वर्क करेगा, ठीक है ना, तो इस तरह का है। तो 4 वोल्ट के लिए अगर मोटर डिज़ाइन किया है तो यहाँ पर ये जो उसकी परफॉर्मेंस है वो प्रॉपरली फुल परफॉर्मेंस देगा, ठीक, तो पैरेलल में कनेक्ट करके। तो अब आते हैं, चलिए अभी काफ़ी टाइम हो गया इस लेक्चर का, अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, चलिए इसको यहीं रोकते हैं।